हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्थ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या चीज? ये चीज पहले जानने से पहले हम कुछ चीज बात जानते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स और क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, लीनियर पॉलीनोमियल्स, ये सारे के सारे पॉलीनोमियल्स हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पॉलीनोमियल्स ने अपना नाम चरण चेंज करके इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है। एनीथिंग एनी वे, जो भी आपका है, जो पॉलीनोमियल्स है वो सारी की सारी इक्वेशन के फॉर्मेट में क्यों आ रही है, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम वो चीज जानना चाहते हैं कि हमने जब पढ़ा था 9th में, तो x plus y is equal to तो समथिंग ऐसा कुछ करके पढ़ा था, ये भी पॉलीनोमियल था आपके पास, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था x square plus 4x plus 4, ये भी पॉलीनोमियल था, ऐसा ही पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था हमने क्यूब पॉलीनोमियल क्यूब प्लस 6x² + 5, ये भी पॉलीनोमियल है, कैसा है क्यूब पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन का टर्म्स क्यों आया? इक्वेशंस का टर्म्स इसलिए आया है कि किसी न किसी पॉलीनोमियल्स के सॉल्यूशन जरूर होते हैं। मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है एक्स की जो उस पॉलीनोमियल्स को जीरो में कन्वर्ट कर देती है, पूरे पॉलीनोमियल्स को इक्वेट इसके बराबर कर देती है, जीरो के बराबर। एक ऐसी कोई ना कोई एक्स की वैल्यू ऐसी होती है, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलीनोमियल्स को जीरो के इक्वेट कर देती है। मींस उस पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वेट अगर कर देती है तो हम कह सकते हैं भाई कोई भी पॉलीनोमियल्स जब जीरो की इक्वेट रखा जाता है या जीरो की इक्वेट हो जाता है, एनी पॉलीनोमियल्स व्हिच आर इक्वेटेड टू द जीरो, किसी भी पॉलीनोमियल्स को जो जीरो की इक्वेट कर दिया जाता है तो उसको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। जब कोई पॉलीनोमियल्स जीरो की इक्वेट रिटर्न होगा लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं सपोज दैट मेरे पास ये था, अब इसको मैंने जीरो की इक्वेट कर दिया, अभी ये पॉलीनोमियल्स था और ऐसे कर दिया, ये पॉलीनोमियल्स अभी भी है लेकिन इसको दूसरा नाम मिल चुका है इक्वेशंस, ठीक है। और इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जगह पर क्या नाम लेते हैं? इक्वेशन। क्या नाम दिया गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी अगर बात करें तो ये अगर इक्वेट कर दिया, अभी तो पॉलीनोमियल था, अब इसका नया नाम मिला कि पॉलीनोमियल है अभी भी है, ठीक है। इसका नाम दिया क्यूबिक इक्वेशन। क्या नाम दिया गया? क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम बात y क्वाड्रेटिक की बात करें, x इक्वल टू x क्यूब x स्क्वायर इक्वल टू, अभी ये क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स है, जीरो की क्रिएट कर दिया गया तो ये इक्वेशन बन गई, मींस y क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो हम ये यहां पर लॉजिक पर पढ़े, जब जीरो की क्रिएट कोई भी पॉलीनोमियल रख दिया जाता है तो पॉलीनोमियल्स इक्वेशन कहलाने लगता है, इक्वेशन कहलाने लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? एनी इक्वेशन व्हिच हैव हाईएस्ट डिग्री टू, एनी इक्वेशन जिनकी सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री जो होगी, डिग्री शब्द आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं कहूँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी, जिसकी दो होगी उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² bx + c = 0, वेयर यहाँ लॉजिक इस बात का है कि ax² + bx + c = 0 है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0,
कोफिशिएंट आला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, इसको जीरो नहीं हो सकता। सपोज जीरो हो गया, आप इमेजिन कर लीजिए जीरो हो गया, चले जीरो हो गया, ए इक्वल टू जीरो, अगर ए इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जीरो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा जीरो, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्या मिला बी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो भी इक्वेशंस है इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या वन है, तो सबसे हाईएस्ट पावर वन है, तो ये कैसे इक्वेशन कह रहा है लीनियर इक्वेशन कह रहा है, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए कहा गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी जीरो, ये आप लॉजिक क्या करते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इसके एक्स को इसके सॉल्यूशन है इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो क्या क्या नाम है इसका बात बात करते हैं, ठीक है, आप ये याद रखिएगा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस क्या होती है ये बाद में आपको पता चल ही जाएगा। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्या क्या चीज है इसमें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जीरोस आप जीरोस के बारे में बोलेगा या रूट्स के बारे में बोलेगा या तो सीधा बोलेगा सॉल्यूशन, ये तीनों शब्द का मतलब ही है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताना है, रूट्स पूछेगा कब एक्स की वैल्यू बताना है, सॉल्यूशन पूछेगा कब एक्स की वैल्यू बताना है, और जीरोस पूछेगा कब एक्स की वैल्यू बताना है। तो आप लॉजिकल बोले ये किसी भी कंसेप्ट को लेकर के आए सीधा आपको एक्स ही बताना है, वो इक्वेशन का एक्स बताना है, ये सॉल्यूशन कर देना है इक्वेशन को और आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये पढ़ने जाते हैं पढ़ने वाले हैं पहला नंबर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ये तो पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन या तो मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेश क्वाड्रेटिक, दूसरी बात हम ये भी पढ़ना चाहते हैं ये पढ़ेगा मैं द फैक्टराइजेशन या तो कहें सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और ये चीज हमने नाइन्थ में सीखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड कैसे कहते हैं फैक्टर कैसे बनाते थे ये नाइन्थ में सीखा हुआ है। थर्ड आप पढ़ ले जाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फोर्थ आप पढ़ने जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन दिमाग छोड़ें, हालांकि ये फार्मूला यहीं से आता है आपका कंप्यूटिंग स्क्वायर से ही आता है, ठीक है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
क्वाड्रेटिक फार्मूला। लास्ट पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ रूट्स कह रहे या तो डिस्क्रिमिनेंट कह रहे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स की बात करें या तो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से ही आपका आएगा नेचर ऑफ रूट्स। इतने टॉपिक्स हैं इतने, और ये टॉपिक्स आराम से हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीन टॉपिक्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्यूशन होता था और आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा तरीका यह है कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन हो जिसकी सबसे बड़ी पावर टू हो, लेकिन पॉलिनोमियल्स का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इक्वेशन कहलाएगा, नहीं। आपका पॉलिनोमियल होना जरूरी है कंफर्म है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम जीरो तक कर देते हैं के लिए, यहां पास आप जो जानना चाहते हैं वो सबसे हाईएस्ट डिग्री अगर टू है तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ढूंढिएगा और अगर मिल जाएगी तो एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक कहलाएगी, अगर हाईएस्ट डिग्री टू नहीं मिलेगी उससे ज्यादा या उससे कम मिलेगी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड सीखने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर जो वन कहता है आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा और एग्जाम्पल नंबर वन रीड करते हैं, तो पेज नंबर 71। एग्जाम्पल नंबर वन में दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का वन कह रहा है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्क्स। जॉन है एक बंदा और एक बंदा जीवांती है, दोनों को एक साथ बोला गया है कि टुगेदर हैव 45 मार्क्स। इसका मतलब दोनों के पास मिलाकर के केवल 45 मार्क्स है, यानी कि 45 मार्क्स है। बोथ ऑफ देम, आगे कंडीशन बोली जा रही है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्क्स की। इसका मतलब होता है दोनों बंदे जो जॉन है और जीवंती है, ठीक है, ये अपने 5-5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके पास मार्बल कितने थे। तो मान लेते हैं लिट जॉन हैव मार्बल्स, जॉन हैव मार्बल्स is equal to x, Zivanti have marble, Zivanti के पास कितने marble होंगे, भाई हमको पता चल गया John के पास एक से, तो Zivanti के पास total जो है उनके पास मिला करके 45 है, एक का पता चल गया है तो दूसरे का पता चल जाएगा 45 minus x means 45 minus x, Zivanti के पास 45 minus x marble है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन बोथ ऑफ लॉस्ट 5 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स टू ईच, ये दोनों जो है 5-5 मार्बल्स लॉस कर देते हैं, तो दोनों के पास अब कितने मार्बल बच रहे हैं देखते हैं। जॉन जॉन मार्बल्स ये कितना होगा, जॉन के पास जो मार्बल है अब x माइनस 5 बचेंगे, जीवांती के पास जो मार्बल है वो कितना है, भाई पहले जीवांती के पास 45 माइनस 6 थे, अब कितने हैं, भाई और माइनस कर दो मींस 40 माइनस 6 मार्बल बचे जीवांती के पास। दोनों के पास मार्बल लॉस होने के बाद अब न्यू जो कंडीशन बच रही है वो क्या है, x माइनस 5 पर मार्बल बचे हुए हैं जीवांती के पास, और जीवांती के पास 40 माइनस 6 बचे हुए हैं।
अब बोल रहा है कि इनका पांच मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 124 है। लॉस्ट होने के बाद प्रोडक्ट है, लॉस्ट होने के बाद मार्बल कितने थे, x माइनस 1 40 माइनस 6, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 124। तो प्रोडक्ट कर लेते भाई, लॉस्ट होने के बाद जो नंबर मिले उनका प्रोडक्ट मिला ये 124। x का 40 में आया, 40x, x का x में गया x स्क्वायर, x का 5 में गया 200x, और x का 5 का x में गया 5x 124। जो x स्क्वायर है वो नेगेटिव टर्म्स, इसका मतलब इधर की सारी डिजिट उधर ले जाती है, जब पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि x नेगेटिव है, हम इसको नेगेटिव में रखना चाहते हैं, पॉजिटिव x स्क्वायर आपका नेगेटिव है तो इसको गया उधर पॉजिटिव होना 40x एंड 5x 45x उधर जाएगा, माइनस का 45x बनेगा। अब 200 है उधर जाएगा, प्लस का 200 बनेगा, प्लस का 23 24 आ गया। तो आप इसको चाहे जीरो उधर रखो, चाहे जीरो उधर क्रिएट कर लो, करो बात वही बनेगी। 2 और 5x प्लस का 3 24 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, और आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वैल्यू है और 1, ये आपका प्राइम फैक्टर आया है, इसी में से आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ बी निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ बी जो निकल के आएगा उसको किसी में जाकर रख देंगे और आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हम ये जानते हैं 3 3 9 होगा और ये हो जाएगा 36। 3 3 9 एंड 9 4 36 में, तो आप जानते हैं कि आप 45 कैसे ले सकते हैं। आप 36 प्लस 9 को ऐड कर देंगे तो 45 मिल जाएगा, मींस 45 की जगह पर आप 36 प्लस 9 कर सकते हैं। तो हम रख देते हैं, हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 45x की जगह पर हमने लिखा क्या 36x 30 है, 36x प्लस 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। दोनों से x कॉमन लिया तो क्या होगा, x कॉमन लिया x माइनस 36x माइनस 9 कॉमन लिया, अंदर का जो साइन होगा जैसे माइनस बाहर आएगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब ये दोनों में हमने लिया कॉमन तो क्या मिलेगा, x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमने यहां से निकाला x की वैल्यू या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं क्योंकि आपका दोनों का मल्टीपल 0 के बराबर है। जब दोनों का मल्टीपल 0 के बराबर है तो कोई एक वैल्यू 0 वही होगी या तो दोनों ही 0 होंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू आई क्या 36, और जब इसको 0 लिए x माइनस 9 इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू आई क्या 9। तो x की दो वैल्यू आई है, तो दोनों वैल्यू को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। If
John had 36 marble, then Devanti Devanti had 9 marble. ठीक है 36 को रखेंगे तो शिवांती की वैल्यू मिल जाएगी 45 माइनस 39 आ गया। सेकंड नंबर किसको क्वेश्चन से आया आपको ये लिख लेंगे या तो हम कर सकते हैं इफ जॉन है हैव 9 मार्बल्स देन दीवांती है 36 मार्बल। ठीक है ये निकल गया हमने सॉल्व कर लिया फैक्टराइजेशन में तो लगा करके ठीक है तो आप भी सॉल्व कर लिया फैक्टराइजेशन में लगा करके ना आई लुक सिक्योर हो गया ठीक है इसके बारे में तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसी का हम सेकंड करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है ये देखते हैं क्वेश्चन को पेशेंस के साथ में रीड करते जाएंगे और लैंग्वेज फ्रेम करते जाएंगे मींस उसको आप ब्लैक बॉक्स कॉपी में लिखते जाएंगे विद मैथमेटिक्स। लैंग्वेज को किस में लेकर के आना मैथमेटिक्स में लेकर के आना है मैथमेटिक्स ही भाषा समझता है फिर मैथमेटिक्स ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पास थर्ड सेकेंड नंबर क्वेश्चन की इसी के टेराकोटा इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक इंडस्ट्री है वो सर्टेन नंबर मतलब एक फिक्स नंबर प्रोड्यूस करता है किसी दिन। सर्टेन नंबर का मतलब क्या होता है फिक्स नंबर ठीक है तो एक फिक्स नंबर प्रोड्यूस करता है किसी दिन में और वो कौन सा नंबर प्रोड्यूस करता है टॉय का नंबर प्रोड्यूस करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय यानी एक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found by RAI to be 55 minus the number of toy produced in a day. क्या यार जो एक toy की cost है वो कितना है वो 55 55 minus the toy produced on that day 55 minus the toy produced on that day मतलब 55 से आप उस दिन का toy का production subtract कर देंगे तो जो है वो आएगी वो एक toy की cost आएगी ठीक है। तो मान लेते हैं number of toy produced let जो भी आपका सर्टेन नंबर आप लेट सर्टेन नंबर आप प्रोडक्शन ऑफ टॉय कितना है एक्स एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है अब कॉस्ट ऑफ वन टॉय लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ वन टॉय है क्या 55 माइनस द प्रोडक्शन ऑफ टॉय ऑन दैट डे मींस उस दिन कितने खिलौने बन रहे हैं सुबह में 55 माइनस द टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है जो कॉस्ट दिया गया है वो कॉस्ट और हम अपनी तरफ से कॉस्ट निकाल करके दोनों कॉस्ट रिलेट करेंगे टोटल कॉस्ट कितना है 750 yeah. इसका मतलब तो खर्च भी निकाल सकते हैं एक एक का कॉस्ट ये है टोटल टॉय ये है निकाल सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का टोटल कॉस्ट ही जाएगा एक्स 55 माइनस 6 इज इक्वल टू ये जो टोटल कॉस्ट है वो 750 के बराबर है आज के दिन तो 55x minus x square is equal to 750 ये 55x और minus x square जो उधर जाए तो सारे के उधर लेके जाने पड़ेंगे आपको मिलेगा x square minus का 55x और plus का 750 अब आप फिर से इसको क्या करेंगे factorization करेंगे और वहां पे वैल्यू को मालूम करेंगे ठीक है तो फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं 750 का तो 3 750 ठीक है अब 3 से जाएगा 3
टू एंड फाइव, ठीक है। अब फाइव से जाएगा आपका मिलेगा 25, फिर से फाइव गया तो मिला पांच, फिर से पांच गया वन बचा। अब हम इसमें कंबाइन करेंगे यहाँ पे 55 आना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं 55 आता है कि नहीं आता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पास हमको क्या मिला, 25 और 30 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आप देखें ये तीनों का मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल, ये 30 आ रहा है और ये 25 आ रहा है, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम ही आपका 55x है। तो हम लिखते हैं क्या यहाँ पास, एक्स स्क्वायर 55x प्लस का 750, 55 की जगह पर आप लिख सकते हैं 30 + 25x + 750 यहां से पेयर बना दिए, यहां से x बाहर आया, अंदर क्या बच गया x माइनस 30, यहां से माइनस का 25 बाहर आया, अंदर बच गया x माइनस 30, दोनों से कॉमन लिया, x की वैल्यू है 30 और x माइनस 25। अब यहाँ पास आपको फिर से वही x और y निकालना है आपको, तो हमने निकाला x की वैल्यू 2 आई, एक y आई, x इक्वल टू ये 0 होगा 30 आई और x इक्वल टू 25। तो दो तरीके के निकलों में हैं, या तो 30 बन रहा है या तो 25 बन रहा है। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन हमको मिलेगा या तो 30 मिलेगा और 20 या तो 25 मिलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं हम कि एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो भाई आप सॉल्यूशन कर लीजिए, जो पावर हाईएस्ट डिग्री अगर 2 बन गई तो क्वाड्रेटिक क्या है, और अगर नहीं बनी तो क्वाड्रेटिक नहीं है। इसमें से हम करवा दे रहे हैं परिमाण से, ये सेकंड का एग्जांपल, सेकंड का फर्स्ट चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। हमने किया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 कर लेते हैं भाई। x इसको ओपन कर दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्या बनेगा x स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस माइनस कर दी। ये सारी क्वांटिटी बदल देगी, आपकी वेरिएंस पॉजिटिव में है 414 और ये आएगा आपका 8 बनेगा 4x और ये आएगा माइनस का 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। देखा गया कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसी का सेकंड नंबर देखते हैं हम, x x प्लस 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हमारे पास है। तो हमने क्या पाया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस x बन जाएगा और प्लस का 8 इज इक्वल टू x का बनेगा फार्मूला x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, a
प्लस बी नॉलेज माइनस डी मीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर मिलेगा आपको। तो आपने क्या किया, ये एक्स जब इधर आएगा सारी परपेंडिकुलर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का एक प्लस का फोर इक्वल टू का जीरो। ये तो खत्म हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ये आ गया, और ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। इसलिए थर्ड नंबर में हमसे बोला जा रहा है कि x 2x plus 3 is equal to x square plus 1। मल्टीप्लीकेशन की है, 2x square अंदर मिला और प्लस का 6 मिला, 3x प्लस उनका आपको इधर लेकर आया 2x square minus x square प्लस का 3x और माइनस का वन इक्वल टू जीरो। इससे आप एक्स स्क्वायर का टर्म एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बनेगा 3x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। ये बी क्वाड्रेटिक है आपकी, ठीक है, ये आपका थर्ड है। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ ये कह रहा है कि x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस का 4। ओपन कर लेते हैं इसको, x क्यूब 3 का क्यूब मींस 27 और प्लस आपका 3a स्क्वायर b मींस 3 और 3 जाओ जाएगा 9 x स्क्वायर मिलेगा। 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इनटू b, 3 3 जा 9 इज 9 x स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर मींस b स्क्वायर आपका क्या है, a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है यानी 3 का स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, थ्री। सारी क्वांटिटी को इधर लेकर क्या है, एक्स क्यूब 27 आपका 27 और फोर इधर आएगा 31 बनेगा 31 और उसके बाद में 31 ही बन रहा है आपका प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 27x, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। कितना मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 27x और प्लस का 31 इक्वल टू 0। ये अगर देखा गया है कि ये जो क्वांटिटी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन इसका तरीका है, ठीक है, ये क्वांटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रही है। एक्सरसाइज के 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे हो जाने चाहिए, आपको चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन कर लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।